आपकी नई नई शादी होने वाली है तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही बेसिक टिप शेयर करूंगी, क्योंकि मुझे याद है कि जब मैं दुल्हन बनी थी तो मुझे कोई भी गाइड करने वाला नहीं थी एंड ये सारी परेशानियां मुझे उठानी पड़ी थी। तो मैंने सोचा कि मैं अपनी स्वीट सी सिस्टर्स के लिए जो ब्राइड बनने वाली है उनके लिए ये कुछ टिप शेयर करूँ। सो आई होप आप लोगों को मेरा आज का ये वीडियो अच्छा लगेगा। आई एम शालू, वेयर आई टॉक अबाउट लॉट ऑफ ब्यूटी कॉन्टेंट्स एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोज रिलेटेड ब्यूटी एंड फैशन। सो या विदाउट फर्दर एडू लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। टिप नंबर वन है कि जब भी आप ब्राइड बनते हो, आपको साड़ियों का या ब्लाउज का उतना नॉलेज नहीं है। ऑब्वियसली हमें स्टार्टिंग में उतना नॉलेज नहीं होता है, जब हम साड़ियां पहनने लगते स्टाइल करने लगते तो बहुत सारे आइडियाज हमारे माइंड में डाइवर्ट होते हैं। तो सबसे पहला टिप मेरा यही है कि जब भी आप ब्लाउज बनवाओ, क्योंकि ब्लाउज के जो स्टिचिंग चार्जेस है वो बहुत ज़्यादा हाई हो चुके हैं, तो आपके पास कुछ ऐसे कलर के ब्लाउज होनी चाहिए जो आप अपनी डिफरेंट साड़ियों के साथ मिक्स मैच कर पाओ। सपोज आपके पास किसी साड़ी का मैचिंग ब्लाउज नहीं है तो उससे कंट्रास्टिंग कलर में आप अपनी साड़ी को पेयर कर पाओ। लाइक आपके पास गोल्डन, सिल्वर एंड मैं ग्रीन कलर का ब्लाउज भी आपको रिकमेंड करूंगी कि आपके पास होना चाहिए। अगर इसके ऊपर आपको पर्टिकुलर वीडियो चाहिए तो आप मेरा ये वीडियो चेक कर सकते हैं। सो प्लीज आप जब न्यू ब्राइड बनने वाली हैं तो कुछ ऐसे कलर के ब्लाउजेज आप वाइजली स्टिच करवाइए जिसे आप अपने और भी साड़ियों के साथ में आप मिक्स मैच करके पहन सके। जब भी आप ब्राइड बनती हैं एंड आपका अगर कभी आपको मौका नहीं मिला कि जो ब्लाउज आपने स्टिच करवा के लाया है उसे आप ट्राई कर पाएं, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम शादियों के फंक्शन में इतना ज़्यादा उलझ जाते हैं कि हमें जो मोस्ट ऑफ द जो कपड़े हैं उसे ट्राई करने का टाइम नहीं मिलता है। तो ऐसे केसेस में आप जो भी ब्लाउज बनवा के आप टेलर के पास से लाए हो एंड आप पहन रहे हो, आपके कंधे स्लिप कर रहे हैं एंड उसमें नॉट करने के लिए डोरी भी नहीं है, तो आप फटाफट ये टिप ट्राई कर सकते हो, ये हैक ट्राई कर सकते हो। आपको डबल साइड टेप की जरूरत पड़ेगी एंड आपको अपने शोल्डर एरिया पे उसे चिपका लेना है, बिल्कुल भी पेनफुल नहीं होता है। मैंने बहुत बार इस हैक को ट्राई करा है एंड अपने शोल्डर के जो कंधे हैं आपको उस डबल साइड सेप टेप के ऊपर में आपको स्टिक कर लेना है। इंस्टेंटली आपके जो शोल्डर है या स्ट्रैप है बिल्कुल भी गिरेंगे नहीं। आप बिंदास होकर इस हैक को ट्राई कर सकती हैं। तो जब भी आपकी शादी होने वाली है कुछ निक नैक चीज़ें अपनी पर्स में आप ज़रूर रखिए, लाइक सेक टेपिन हो गया या फिर डबल साइडेड टेप हो गया, एक बैंडेज हो गया, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। अगर आपकी शादी होने वाली है तो एक अलग सा पाउच आपकी वैनिटी में इन सारी चीज़ों के लिए होना ही चाहिए। नेक्स्ट टिप है, मैंने क्या करा था कि जब मेरी शादी हुई थी तो मैंने कुछ ब्लाउजेस सिलवाए थे जिसमें मैंने लटकन बहुत ही हेवी लगवा ली थी एंड मुझे ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी, क्योंकि जब मैं डोरी को टाई करती थी तो लटकन बहुत ज़्यादा हेवी होने की वजह से जो डोरी है जो मैंने ब्लाउज में डलवाई थी वो बार बार खुल जा रही थी। तो आपको भी ये गलती नहीं करना है, अगर आप अपने ब्लाउज में कोई लटकन लगवा रहे हो, आपकी जो डोरी है वो इस तरह की सिल्क थ्रेड की है आप ये देखो, तो बिल्कुल भी आपको ऐसे डोरियों में आपको हेवी लटकन नहीं लगाना है। बाय द वे ये जो चोकर आप देख रहे हो इसका भी वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है, आप चाहो तो चेक कर सकते हो। सो आप इस तरह की डोरियों में कभी भी हेवी लटकन मत लगाओ, क्योंकि जब आप टाई करोगे तो वो जो है आपकी डोरी खुल जाएगी, आप बिल्कुल कंफर्टेबल फील नहीं करोगे। सो आप अपने लिए ऑलवेज लाइट वेटेड लटकन चूज करें, या आजकल फैब्रिक के लटकन बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, आप टेलर को बोल दो कि उसी फैब्रिक से आपका जो लटकन है वो रेडी करके देंगे। एंड अगर आपको हेवी लटकन लगाने का मन है तो आप ट्राई करो कि आप कॉटन की डोरियों में लगाओ, जिससे आपकी जो डोरी है वो खुलने के चांसेस बिल्कुल नहीं रहेंगे। नेक्स्ट टिप की तरफ, उसके पहले अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही हो एंड आपको लगता है कि आपकी किसी और फ्रेंड को या सिस्टर को जिनकी शादी होने वाली है उनको ये वीडियो हेल्प कर सकती है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर करिएगा एंड मेक श्योर करिए कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, रेड बटन को ग्रे करके जाए ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करी उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों तक इजीली पहुंचती रहे। अब चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है शालू ब्यूटी एंड फैशन, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपके पास अगर कुछ बेसिक ब्लाउजेज है जिसे आप चाहते हो कि आप शादी के बाद उसे एक न्यू लुक दो, बट आप ज़्यादा इन्वेस्ट भी नहीं करना चाहते हो, एंड सपोज आपके ससुराल में कुछ ऐसी रस्म हुई एंड आपके पास बिल्कुल सिंपल सी साड़ी है, आप चाहते हो कि ज़्यादा हेवी ना पहनो, क्योंकि क्या होता है ना यार कि शादियों के रिचुअल में हम हेवी कपड़े पहन पहन के थक जाते हैं, बॉडी भी थक जाती है, माइंड भी थक जाता है, ऐसे लगता है कि लाइट वेटेड साड़ियाँ हम पहने। सो आप इस तरह का मीशो, फ्लिपकार्ट हर साइट पे ये अवेलेबल है, आप इस तरह का एक वॉच जरूर खरीदो, बहुत ज़्यादा हेल्प करता है ये आपकी
ब्लाउज को इन्हेंस करने में। आप इसे या तो अपने बैक एरिया में, अगर आपका बैक जो नेक है ब्लाउज का वो डीप है तो आप लगा सकते हो, अदरवाइज आप फ्रंट में भी लगा सकते हो, वो भी बहुत अच्छा लगेगा। एंड आप सिंपल साड़ियों के साथ में भी इस बोज की हेल्प से अपने ब्लाउज को हैवी लुक दे सकते हो। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप, अगर आपके पास कुछ कुर्ताज है तो आप उसके साथ भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। सी, अभी जो है कोरोना का टाइम चल रहा है एंड हर किसी की पॉकेट जो है अलाउ नहीं कर रही है कि वो हर चीज में इन्वेस्ट करे। एंड अगर आपके पास कुछ ऐसी कुर्तीज है जिसे आप भी वन टाइम या टू टाइम आपने पहना है, कुछ अच्छी ब्रोकेट की, सिल्क की या फिर नेट जॉर्जेट किसी भी मटीरियल की आपके पास कोई कुर्ता है, सो आप सिंपली उसे ब्लाउज में कन्वर्ट कर सकते हो। मैं कुछ इमेजेस यहाँ पे रेफरेंस पर्पस के लिए आपको पेस्ट कर दूंगी। आप इस वे में भी कस्टमाइज करवा सकते हो अपने कुर्ताज को, अदरवाइज आपके माइंड में जो भी है आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो ओल्ड कुर्ता में। एंड बहुत ईजी होता है ओल्ड कुर्ता को ब्लाउज में कन्वर्ट करना, अगर आपको आता है आप घर पे कर लोगे, अदरवाइज आप किसी भी टेलर को दोगे ना यार, वो बहुत ईजिली करके दे देंगे। मीन्स जो कुर्ता आपने वन या टू टाइम पहने हैं उसे आप अपने ट्रेंडी ब्लाउज में कन्वर्ट करें ताकि कुछ यादें भी आपके पास रहे। जो मेरा नेक्स्ट एंड लास्ट टिप है, डीप नेक का ब्लाउज बनवाते हो अपने लिए तो आप मेक श्योर करें अगर आपने थ्रेड नहीं डलवाया है, पैड्स नहीं डलवाए हैं, इस तरह की जैसे मैंने आपको दिखाया इस तरह की कुछ डोरियां, ये बहुत सारी कलर्स में आती है, गोल्ड में आती है, सिल्वर में आती है, तो मैं आपको बोलूंगी गोल्ड सिल्वर रेड कुछ ऐसे कलर है जो इस तरह की डोरियों को आपको अपने पर्स में शादी के पहले जरूर खरीद के रख लेना चाहिए। अगर आप मेरा ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज आप इस तरह की थ्रेड को आप खरीद के रखो ताकि आपको जब भी फील हो कि आप जब पहनो ससुराल जाने के बाद में अपने ब्लाउजेस एंड किसी कारण से वो फिट ना हो तो आप इन डोरियों को कट करके आप बिल्कुल अपने शोल्डर पे लगा सकते हो और आपको इतना भी टाइम नहीं है कि आप इसमें सिलाई मार पाओ, क्योंकि डोरियों को एडजस्ट करने में हार्डली आपको 2 to 3 minutes लगेंगे। बट अगर आपके पास ये भी टाइम नहीं हो तो आप दो बिल्कुल छोटे छोटे सेफ्टी पिन लेके भी इन डोरियों को एडजस्ट कर सकते हो एंड इंस्टेंटली आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। मेरे आज के कुछ ब्राइड्स के लिए ब्लाउज है कि हमें बोली कुछ टिप्स थे जो आपको किसी ना किसी वे में हेल्प करेगा, कोई ना कोई तो टिप आपके लिए हेल्पफुल जरूर होगा। जिनकी भी शादी होने वाली है, विश यू अ वेरी हैप्पी मैरिड लाइफ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करना ना भूलिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगर कोई वीडियो की रिक्वेस्ट है तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो अभी के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी बहुत ही अच्छे कंटेंट के साथ। टिल देन बी हेल्दी, बी हैप्पी, टेक केयर एंड बाय बाय, लव यू ऑल।